रख दे मेरी लाज से, लाजवंती बेटी तू ते आज राख दे मेरी लाज से। और लाडो मैं ते तेरे पाया मैं धरूं ताज से, तू बेटी मैं बाप तेरा, ताज से आज रख दे मेरी लाज से, तू बेटी मैं बाप तेरा, तेरे पाया मैं धरूं ताज से, तेरे पाया मैं धरूं ताज से। पूजा में स्थान प्रथम होता ब्याहे वर का जी, जाए से संस्कार मिल जा स्वर्ग बने उस घर का जी, जाए से संस्कार मिल जा स्वर्ग बने उस घर का जी, पर स्वर्ग बराबर घर ने में ते, स्वर्ग बराबर घर ने में ते, वो नरक बनावन आया बेटी, तेरी अमृत जैसी जिंदगानी में शहर मिलावन आया बेटी, तेरा भरिया हुआ सिंदूर मांग का इसे आज मिटावन आया बेटी, ये भरिया हुआ सिंदूर मांग का आज मिटावन आया बेटी, और मांगू दान पति का कर दे तेरे आगे झोली भर दे, मांगू दान पति का कर दे अरे तेरे आगे झोली भर दे, इतना सा सवाल हो तेरे पाया मैं धरूं ताज से, तेरे पाया मैं जरूरी ताज से। बेटी भगवान राम का चरित्र आपने सुना होगा, और भगवान राम के पूर्वजों ने एक ही बात कही थी कि रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाए। लाडो मैं वचनबद्ध हो गया हूं, और वचनबद्ध होने का मतलब यह है कि अब चाहे उसका अंजाम कुछ भी हो परंतु बेटा अपने हाथ से चीरने के लिए मजबूर हूं, मजबूर हूं, मजबूर हूं। बापू क्या आप अपनी इस बेटी की चूड़ियां फूटते हुए देखोगे, क्या इस बेटी को सफेद वस्त्र में लिपटे हुए नहीं देखोगे? फिर क्यों ऐसी जिद किए बैठे हो? छोड़ दो इस जिद को, समझा दो साधुओं को। मन मार के रह गया बेटी, तीन वचनों में बंधा हुआ हूं, और वचनबद्ध व्यक्ति के सामने फिर ये नहीं देखा जाता कि फायदा है या नुकसान है, जो कार्य करना है वो तो करना ही पड़ेगा। तो फिर भी मेरी बात सुनो बापू, कहिए जरा।
कौन दान, मैं कौन दान करने वाली आपकी इमदाद में, मात पिता का हुआ करता हक अपनी औलाद में। पहले तो वो बेटा थारा पति मेरा बाद में, पहले तो वो बेटा थारा पति मेरा बाद में, पहले तो वो बेटा थारा पति मेरा बाद में। मरद के जड में तावे दार हो से, प्राणपति तो इस दुनिया में जीवन का आधार हो से, प्राणपति तो इस दुनिया में जीवन का आधार हो से। पर आन बान कुल की मर्यादा हुया करे से जान दे ज्यादा, कुल की मर्यादा होया करे से जानते ज्यादा। वो जिसके सिर तेरे पाया में धरू ताज से, तेरे पाया में धरू ताज से, होनहार बलवान बतावे मानस की के पार बसावे, होनहार बलवान बतावे मानस की के पार बसावे। जब कर देश का हो ज्यादा आपका अधिकार है, आपको तो मुझसे पूछने की जरूरत ही नहीं है पिताजी। और वैसे भी मैं तो आपकी बहादुर बेटी हूं ना, मैंने मार लिया सबर का मुक्का, लेकिन फिर भी ये बताइए कि अगर आज मेरी जगह आप होते पिताजी तो आप क्या करते, ये बता दो बस। मैं क्या करता जी? प्रश्न तो तेरा वाजिब है बेटी,
और इसका जवाब भी सुन ले। हे लाडो, पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने यही सिखाया है कि व्यक्ति को आन बान और शान के ऊपर अगर मरना भी पड़े, मौत को भी गले लगाना पड़े तो वो लगा लेना चाहिए। जिस प्रकार से एक क्षत्रिय जब रण में जाता है, या तो वो दुश्मन को मार देता है या फिर उसके भाले से या उसकी गोली से खुद वीरगति को प्राप्त हो जाता है, पर रण में पीठ नहीं दिखाता, भाग करके नहीं आता। हे लाडो, तुमने पूछा कि हे पिताजी, मेरी जगह अगर तुम होते तो क्या करते जी? तो सुन, मैं क्या करता? मैं वो करता जो इन बुजुर्गों ने बताया है, मैं वो करता जो इन संतों ने बताया है, एक ही चीज करता। धर्म रक्षति रक्षते, वेद कहता है जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा किया करता है। वाह, मैं अपनी बात के लिए वो करता। इस दुनिया में सूर्य और चंद्रमा आपस में बदल सकते हैं। सूर्य में शीतलता आ सकती है, चंद्रमा में गर्मी आ सकती है। ये आकाश के तारागण अपना स्थान छोड़ सकते हैं बेटी, वायुमंडल के अंदर छाया ही छाया हो सकती है या धूप ही धूप हो सकती है। दुनिया के नियम बदलने से पहले, नियम बनने से पहले टूट सकते हैं, प्रकृति बदल सकती है। किसी बड़े से बड़े संत महात्मा के द्वारा दिया गया वरदान खाली जा सकता है, किसी बड़े से बड़े शिकारी की कमान से निकला हुआ तीर खाली जा सकता है। यह तो संभव है कि वायु अपना वेग छोड़ दे, यह भी संभव है कि अग्नि अपना तेज छोड़ दे, जल अपनी शीतलता त्याग दे, ये वृक्ष अपनी छाया छोड़ दे, पर जीते जी मोरा ध्वज अपना धर्म नहीं छोड़ सकता, अपना धर्म नहीं छोड़ सकता, चाहे उसके लिए कितनी ही बड़ी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। मैं वो करता। अगर ऐसा है तो आप धन्य हैं पिताजी। वो बेटा बेटी किसी काम के नहीं जो अपने माँ बाप की इज्जत को ना बचा सके। मेरे पति से नहीं झुका तो मेरा मांस खवाड़ा से, मेरे पति से नहीं झुका तो मेरा मांस खवाड़ा से, मेरे पति से नहीं झुका तो मेरा मांस खवाड़ा से। अरे जिसने बेटी जन्म दिया, ओ जिसने बेटी जन्म दिया, वो धन्य धन्य तेरे चने माई, फिर छाती चिपकाली बहू आख्या के वहां आंसू लाई, इंदर पाल जोड़ी वाला गम ते भरी करे कविताई, इंदर पाल जोड़ी वाला गम ते भरी करे कविताई। ये ईश्वर तेरी अद्भुत माया, भेद किसे ने कोई ना पाया, हे ईश्वर तेरी अद्भुत माया, भेद किसे ने कोई ना पाया, जोरदार ताली, जोरदार।